क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि थ्री फोर्सेज ईच इक्वल टू पी एक्ट ऑन ए बॉडी एट ए पॉइंट पैरेलल टू ओ वाई एक्सिस. ओके द सेकंड एट पॉइंट बी जीरो बी ओ पैरेलल टू ओ जेड एंड थर्ड एट पॉइंट जीरो जीरो सी पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस. ठीक है ना. The axis is being rectangular. Find the resultant range in magnitude and position. Question ये कहना चाह रहा है कि भाई हमारे पास तीन equal force हैं जो कि किसी body के एक बिंदु के ऊपर a zero zero के ऊपर काम कर रहे हैं. ये parallel to y axis है. दूसरे वाला बिंदु ये है मेरा zero b zero है parallel to मेरा z axis है. तीसरे वाला बिंदु zero zero c है parallel to मेरे पास x axis है. मेरे को निकालना है इसका resultant range निकालना है. ओके और उनका मैग्नीट्यूड और पोजीशन कैलकुलेट करनी है. ध्यान से देखना बेटा क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ. मेरे पास जो मेरे को गिवन है वो लिख रहा हूँ बेटा. गिवन दैट मेरे को जो पॉइंट दिया हुआ है भाई पॉइंट है मेरा कितना पॉइंट दे रखा है मेरे को ए ज़ीरो ज़ीरो ए ज़ीरो ज़ीरो. ओके और फोर्स दे रखा है मेरे को कितना भाई फोर्स है मेरा फोर्स पी है और ये साफ साफ लिखा हुआ है पैरेलल टू ओ वाई एक्सिस पैरेलल टू ओ वाई एक्सिस. मतलब ये निकलता है कि वाई एक्सिस में जो डी सी होंगे डायरेक्शन कोसाइन होगा वो होगा बेटा ज़ीरो वन एंड ज़ीरो. क्लियर. आगे की तरफ चलता हूँ. अगले वाले पोर्शन के अंदर मेरे को फिर दे रखा है पॉइंट मेरे को जो दिया हुआ है बेटा सेकंड पॉइंट जो मेरे को दे रखा है वो कितना दे रखा है ज़ीरो बी ज़ीरो ज़ीरो बी ज़ीरो. फोर्स दे रखा है मेरे को इसके ऊपर भी पी दिया हुआ है फोर्स इज इक्वल टू इक्वल फोर्स पी दिया हुआ है और कह रहा है कि जेड एक्सिस में है ओ जेड एक्सिस के पैरेलल ओ जेड एक्सिस मतलब जेड एक्सिस में जेड एक्सिस में मेरे जो डी सी होंगे डायरेक्शन कोसाइन होंगे वो होंगे कितने भाई ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो एंड वन. क्लियर. अगले वाला फोर्स जो मेरे को दे रखा है पॉइंट मेरे को सबसे पहले पॉइंट की बात करता हूँ पॉइंट मेरे को दे रखा है ज़ीरो ज़ीरो सी एंड फोर्स मेरा फिर सेम है फोर्स दे रखा है मेरे को पी और क्वेश्चन के अंदर कह रहा है पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस यानी ओ एक्स एक्सिस बोले तो एक्स एक्सिस में मेरे पास जो डी सी होंगे डायरेक्शन कोसाइन होंगे वो होंगे वन ज़ीरो एंड ज़ीरो. क्लियर. आपको कैलकुलेट क्या करना है भाई आपको निकालना है आर बराबर क्या है आर परिणामी निकालना है आपको निकालना है कपल ऑफ मोमेंट जी इज इक्वल टू क्या है यानी आपको निकालना है रेंज. रेंज का मतलब होता है आर कोमा जी और आपको उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है और उसकी पोजीशन भी कैलकुलेट करनी है. ये आपका पूरे का पूरा क्वेश्चन है. ओके आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं लगना चाहिए. चलो भाई पहले पॉइंट की बात करता हूँ और उसके ऊपर कैलकुलेट करता हूँ मैं. ध्यान से देखना अगले वाले पोर्शन की तरफ चल रहा हूँ और पॉइंट और सारी चीज़ें कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ. देखना बेटा पॉइंट तो मेरे को दे रखा है कितना भाई पॉइंट जो दिया हुआ है मेरे को पॉइंट है मेरे पास कितना सबसे पहले आप एक्स वाला लिखो. चलो यार उसी से लिख लो कोई दिक्कत नहीं है. पॉइंट है मेरा ए ज़ीरो ज़ीरो और डायरेक्शन कोसाइन मेरे कितने हैं रे डी सी है मेरे डी सी है ज़ीरो वन ज़ीरो और फोर्स है मेरा एफ बराबर है कितना फोर्स है पी. सेकंड पॉइंट की बात करता हूँ पॉइंट मेरे को कितना दे रखा है भाई सेकंड पॉइंट है मेरा ज़ीरो बी ज़ीरो और डायरेक्शन कोसाइन है मेरे ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो वन और फोर्स है मेरा यहाँ भी बराबर पी के. ओके थर्ड की बात करता हूँ पॉइंट मेरे को जो दिया हुआ है बेटा पॉइंट मेरे को दे रखा है ज़ीरो ज़ीरो सी आपके सामने है और डी सी है यहाँ पे एक्स एक्सिस के जो डी सी हैं वो कितने हैं भाई वो हैं वन ज़ीरो ज़ीरो और फोर्स यहाँ भी मेरा एफ इज इक्वल टू पी है. आपको यहाँ तक कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए. ओके मैं बात करता हूँ एक्स वन की. पहले वाले फोर्स के लिए कंपोनेंट माना फोर्स पी के
कंपोनेंट कौन कौन से हैं भाई, कंपोनेंट एक्स वन वाई वन जेड वन इस वाले फोर्स के, और उसके बाद सेकंड फोर्स पी, सेकंड फोर्स पी के कंपोनेंट मैंने कितने मान लिए, एक्स टू कोमा वाई टू कोमा जेड टू, और मेरे पास जो थर्ड फोर्स है, थर्ड फोर्स पी के कंपोनेंट मैंने मान लिए एक्स थ्री कोमा वाई थ्री कोमा जेड थ्री। ओके अब देखता हूँ भाई, सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूँगा एक्स वन, एक्स वन का फार्मूला क्या होता है रे, एफ वन इंटू एल वन होता है ना, आपको पता है ना, चलते हैं कंसेप्ट की तरफ। तो एक्स वन जो निकला, एक्स वन इज इक्वल टू एफ वन की वैल्यू तो यहाँ से होगी ना, एफ वन तो पी है ना, ये मेरा एफ वन है, इसको आप एफ टू मान लो, इसको आप एफ थ्री मान लो, एफ वन की वैल्यू हुई मेरे पास पी गुणा, ये मेरा एल वन है, ये एल वन है, ये एम वन है, एन वन है, एल टू है, एम टू है, एन टू है, एल थ्री है, एम थ्री है, और ये वाला एन थ्री है, आपको भी पता है, बहुत सारे क्वेश्चन बता चुका। एक्स गुणा ज़ीरो इज इक्वल टू कितना निकला, ज़ीरो, यानी एक्स वन की वैल्यू मेरे पास निकली ज़ीरो। वाई वन की बात करता हूँ, वाई वन होगा मेरे पास एफ वन गुणा एल वन की जगह मेरे पास हो जाएगा एम वन, यानी वाई वन की वैल्यू निकली पी गुणा एम वन की वैल्यू मेरे पास वन है, बराबर हुआ मेरा पी, वाई वन की वैल्यू निकल गई मेरे पास पी, और मैंने कैलकुलेट किया, अब क्या कैलकुलेट किया भाई, मैंने जेड वन कैलकुलेट किया, जेड वन इज इक्वल टू होगा मेरा एफ वन गुणा एन वन, यानी जेड वन की वैल्यू निकली, जेड वन की वैल्यू ये देखो आपके सामने है, ये हुआ मेरे पास पी गुणा ज़ीरो, यानी जेड वन बराबर हुआ पी के, जेड वन बराबर हुआ मेरे पास कितना, ज़ीरो, सॉरी बराबर हुआ ज़ीरो के, क्लियर है ना। एक्स टू की बात करता हूँ, ठीक है ना, ये तो एक्स वन निकल चुका, अब एक्स टू की बात करता हूँ भाई, एक्स टू के लिए मेरे पास कंसेप्ट वही होगा सेम, एक्स टू की बात कर रहा हूँ, एक्स टू इज इक्वल टू होगा मेरे पास एफ टू गुणा एल टू। ओके तो यहाँ से एक्स टू की वैल्यू कितनी निकलेगी भाई, एफ टू की वैल्यू तो पी है गुणा एल टू की वैल्यू देखो आप ज़ीरो, यानी एक्स टू की वैल्यू कितनी निकल गई, ज़ीरो आपके सामने है। वाई टू कैलकुलेट किया, वाई टू बराबर होगा एफ टू गुणा एल टू की जगह एम टू, यानी यहाँ से वाई टू निकल करके आया पी है, तो फोर्स तो पी ही है गुणा, ये हुआ मेरे पास ज़ीरो। ओके और बराबर वाई टू की वैल्यू निकल गई मेरे पास ज़ीरो, मैंने जेड टू की वैल्यू कैलकुलेट की, जेड टू बराबर हुआ एफ टू गुणा एन टू, यानी जेड टू बराबर निकला पी गुणा एन टू की वैल्यू मेरे पास वन है, जेड टू आ चुका मेरा कितना पी। अब आगे की बात करता हूँ भाई, एक्स वन इसकी बात करते हैं लास्ट वाले पॉइंट की, अब आपने निकाला एक्स थ्री इज इक्वल टू क्या होगा भाई, एफ थ्री गुणा एल थ्री होगा, यहाँ से एक्स थ्री कैलकुलेट किया, एक्स थ्री इज इक्वल टू एफ थ्री की वैल्यू मेरे पास पी है गुणा एल थ्री की बात की आपने वन, तो यहाँ से एक्स थ्री का जो रिजल्ट आया वो फिर पी निकल गया। आपने वाई थ्री की वैल्यू कैलकुलेट की, एफ थ्री गुणा एम थ्री, वाई थ्री की जो वैल्यू निकली कितनी निकली बेटा, वाई थ्री एल थ्री एम थ्री, एम थ्री की वैल्यू ज़ीरो, पी गुणा ज़ीरो, यानी वाई थ्री की वैल्यू निकल गई ज़ीरो। उसके बाद आपने जेड थ्री कैलकुलेट किया, एफ थ्री गुणा एन थ्री, यानी जेड थ्री का जो रिजल्ट निकला, एफ थ्री तो पी है गुणा एन थ्री की वैल्यू ज़ीरो, यानी जेड थ्री भी आपके पास निकला ज़ीरो। क्लियर, आगे चलता हूँ, यहाँ तक आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, अगले वाले पेज के ऊपर पहले सारे लिखता हूँ, अब मेरा काम थोड़ा सा आसान हो चुका। ओके उसके बाद मैं आगे की तरफ चलूँगा, देखते हैं भाई कौन सा रिजल्ट क्या है। देखो बेटा एक्स वन तो है मेरा कितना, ज़ीरो, वाई वन है मेरा पी, जेड वन है मेरा ज़ीरो, एक्स वन वाई वन जेड वन। एक्स टू की बात करता हूँ, एक्स टू है मेरा कितना भाई, एक्स टू है मेरा ज़ीरो। ओके और वाई टू है मेरा कितना भाई, ज़ीरो, जेड टू है मेरा पी, एक्स थ्री है मेरा कितना, देखो आप एक्स थ्री की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स थ्री की वैल्यू है मेरी पी, वाई थ्री की बात करता हूँ मेरा ज़ीरो, जेड थ्री की बात करता हूँ मेरा ज़ीरो। क्लियर, अब यहाँ से मैं एक्स वाई जेड की बात करूँगा। ओके जब पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी उठा लूँगा मैं पॉइंट, मैं यहाँ से एक्स वाई जेड की बात करूँगा। एक्स बराबर जो होता है क्या होता है बेटा, एक्स वन प्लस के एक्स टू प्लस के एक्स थ्री, तो यहाँ से एक्स बराबर कितना निकल गया भाई, ज़ीरो प्लस के ज़ीरो, ज़ीरो प्लस के ज़ीरो प्लस के पी, यानी एक्स बराबर निकला मेरा पी। वाई की बात की, वाई बराबर होगा वाई वन प्लस के वाई टू प्लस के वाई थ्री,
यानी वाई बराबर निकला ज़ीरो प्लस के पी प्लस के ज़ीरो यानी वाई बराबर भी निकला पी। ओके अब जेड थ्री की बात, जेड की बात करता हूँ, जेड बराबर होगा जेड वन प्लस के जेड टू प्लस के जेड थ्री, तो जेड बराबर निकला ज़ीरो प्लस के पी प्लस के ज़ीरो यानी जेड बराबर भी निकल गया पी। एक्स वाई जेड की सारी वैल्यू आ चुकी। आगे देखता हूँ बेटा, मेरे को चाहिए है आर। सबसे पहले मैं आर की बात करता हूँ, आर रिजल्टेंट आर बराबर जो होता है वो होता है अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। ओके तो फरा जो गेट बंद करते हैं, आर इज इक्वल टू निकला अंडर द रूट एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी पी स्क्वायर प्लस के फिर पी स्क्वायर प्लस के फिर पी स्क्वायर। ओके तो यहाँ से आर इधर निकाल रहा हूँ बेटा, आर इज इक्वल टू अंडर द रूट थ्री पी स्क्वायर, आर इज इक्वल टू कितना निकल गया बेटा पी अंडर द रूट थ्री। आपको कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, आर इज इक्वल टू पी रूट थ्री। एक रिजल्ट तो मेरे पास सीधा सीधा आ चुका। अब मैं बात करूँगा एल एम और एन की। ओके देखते हैं एल मेरा कैसे निकलेगा और एम मेरा कैसे निकलेगा और एन मेरा कैसे निकलेगा। हाँ तो आ चुका। चलो भाई लिखते हैं स्मॉल एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री और पॉइंट लिखता हूँ और कैपिटल वैल्यू डालता हूँ और उसके बाद मैं निकालूँगा एल एम और एन। ये तो हुआ मेरा स्मॉल एक्स वन वाई वन जेड वन एक्स टू वाई टू जेड टू एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री। देखते हैं एक्स वन का कौन सा पॉइंट है। देखो आप एक्स वन की वैल्यू है ए ज़ीरो 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 ज़ीरो। ओके दूसरा वाला पॉइंट है ज़ीरो बी ज़ीरो ज़ीरो बी ज़ीरो। तीसरे वाला पॉइंट कितना है ज़ीरो ज़ीरो सी। एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री देख लो हम। ओके एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, एक्स वन की वैल्यू कितनी है भाई नीचे लिख लिया। एक्स वन की वैल्यू है ए पी ज़ीरो एक्स वन, वाई वन की वैल्यू पी, जेड वन की वैल्यू ज़ीरो, एक्स टू की वैल्यू एक्स टू इसके नीचे लिखो आप, एक्स टू हो गया वाई टू हो चुका जेड टू कितना है भाई एक्स टू वाई टू ज़ीरो 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 पी ज़ीरो ज़ीरो एंड पी। अगले वाला होगा एक्स थ्री, ये होगा वाई थ्री और ये होगा जेड थ्री। एक्स थ्री की वैल्यू पी ज़ीरो ज़ीरो पी ज़ीरो ज़ीरो। क्लियर। अब मेरे को चाहिए है एल, एल की बात करूँगा बेटा। एल यहाँ से निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दो मिनट में अभी आंसर आ रहा है यार। एल इज इक्वल टू जो होता है बेटा फार्मूला जो होता है वो ये होता है स्मॉल वाई वन कैपिटल जेड वन माइनस स्मॉल जेड वन कैपिटल वाई वन प्लस वाई वन की जगह कितना स्मॉल वाई टू कैपिटल जेड टू माइनस स्मॉल जेड टू कैपिटल वाई टू प्लस वाई थ्री और ये जेड थ्री माइनस स्मॉल जेड थ्री और कैपिटल वाई थ्री। क्लियर है ना। एल की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, एल बराबर स्मॉल वाई वन, ये देखो आप स्मॉल वाई वन ज़ीरो माइनस स्मॉल जेड वन फिर ज़ीरो प्लस वाई टू की बात करता हूँ, वाई टू ध्यान से देखना है आपको, वाई टू की वैल्यू है बी कैपिटल जेड टू कैपिटल जेड टू बी पी स्मॉल वाई टू बी कैपिटल जेड टू पी माइनस स्मॉल जेड टू ज़ीरो सारा ज़ीरो हो जाएगा प्लस वाई थ्री की बात करता हूँ वाई थ्री मेरा ज़ीरो है माइनस जेड थ्री की बात करता हूँ जेड थ्री है मेरा सी और कैपिटल वाई थ्री है मेरा कितना ज़ीरो सॉरी कैपिटल वाई थ्री है ज़ीरो। क्लियर है ना। तो यहाँ से सीधा सीधा जो एल निकल करके आया बेटा एल बराबर आया पहले वाला ज़ीरो प्लस बी पी बी पी निकल गया ना। क्लियर है ना। और फिर प्लस के ज़ीरो एल बराबर मेरे पास निकला बी पी। इसी प्रकार जैसे ही मैं सममिति लगाऊंगा इसके अंदर सममिति से एम की जो वैल्यू निकल करके आएगी बेटा एल के बाद होगा एम और एम की वैल्यू पी तो जो का तो ही रहेगा और बी कन्वर्ट हो जाएगा सी के अंदर। और इसी प्रकार सममिति से जब मैं एन निकाल लूँगा पी तो एज इट इज रहना है क्योंकि फोर्स बराबर है और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ए के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलता हूँ, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेरे को निकालना है जी, जी इज इक्वल टू जो होता है बेटा जी का फार्मूला मेरे पास कितना होता है भाई जी बराबर होता है एल एक्स प्लस के
एम वाई प्लस के एन जेड अपॉन आर, यही होता है ना फार्मूला। एल आ चुका, एम आ चुका, एन आ चुका, एक्स वाई जेड भी निकाल लो आप, एक्स वाई जेड देख लो क्या क्या है आपके पास। इधर लिख रहा हूँ बेटा, एक्स पी है, एक्स बराबर है पी, कैलकुलेट कर चुका था, वाई बराबर भी पी है, और जेड बराबर कितना है रे, जेड बराबर भी मेरे पास पी ही है, जी कैलकुलेट कर रहा हूँ, जी इज इक्वल टू, बाहर से बंद कर दिए अगर बाहर जागी तो, जी इज इक्वल टू एल, एल की वैल्यू देखो बेटा, पी बी गुणा पी प्लस एम की वैल्यू देखो, पी सी गुणा पी, ये तो फिक्स है पी है, प्लस एन की वैल्यू पी ए गुणा पी अपॉन आर, देख लो कितना है भाई, आर की वैल्यू है पी अंडर द रूट थ्री, पी अंडर द रूट थ्री, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे चलता हूँ, यहाँ से मेरे पास जो निकला बेटा जी, जी बराबर जो निकला मेरे पास, जी बराबर हुआ कितना, देखो आप पी बी स्क्वायर प्लस के सी पी स्क्वायर प्लस के ए पी स्क्वायर अपॉन पी अंडर द रूट थ्री, ऊपर से मैंने पी कॉमन ले लिया, पी स्क्वायर कॉमन, ए प्लस के बी प्लस के सी अपॉन पी अंडर द रूट थ्री, पी से पी कैंसिल, जी इज इक्वल टू निकला बेटा पी ए प्लस के बी प्लस के सी अपॉन अंडर द रूट थ्री। मेरे को निकालना था रेंज, क्वेश्चन देखो आप एक बार, मेरे को क्या चाहिए था भाई, मेरे को चाहिए था रेंज, रेंज सो दैट, रेंज की बात कर रहा हूँ, रेंज होता है मेरे पास आर कोमा जी इज इक्वल टू, आर की वैल्यू देखो आप पी अंडर द रूट थ्री, पी अंडर द रूट थ्री कोमा जी की वैल्यू कितनी है पी ए प्लस के बी प्लस के सी अपॉन अंडर द रूट थ्री, ये तो क्लियर, यहाँ तक के तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। आगे देखता हूँ भाई, आगे मेरे को चाहिए है भाई, ध्यान से देखना है, एल एम एन की जरूरत पड़ने वाली है इसलिए पहले इधर रख रहा हूँ तो एल एम एन को, ओके ये है एल एम और एन, एल एम और एन पॉइंट आउट कर लो, ओके मेरे को चाहिए इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस, इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस देखता हूँ मैं, मेरे पास इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस क्या होती है भाई, इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस, मेरे पास फार्मूला होता है बेटा कैपिटल एल माइनस स्मॉल वाई कैपिटल जेड, स्मॉल वाई कैपिटल जेड प्लस स्मॉल जेड कैपिटल वाई डिवाइडेड बाई होता है मेरे पास एक्स, बराबर होता है मेरे पास कितना भाई, एम माइनस ये होता है स्मॉल जेड कैपिटल एक्स माइनस सॉरी प्लस एक्स कैपिटल जेड डिवाइडेड बाई वाई, बराबर होता है कैपिटल एन माइनस एक्स कैपिटल वाई माइनस वाई कैपिटल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स वाई जेड, और बराबर होता है कितना भाई पी के होता है पिच के, और पी की जो वैल्यू होती है, पी की जो वैल्यू होती है बेटा डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, बराबर होता है किसके, सीधा लिख रहा हूँ, बराबर होता है जी अपॉन आर के होता है, ओके जी अपॉन आर बराबर होता है पिच के, बंद कर दे इसे यार, आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ तक आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ओके देखते हैं भाई एल की वैल्यू देखता हूँ कितनी है, कैपिटल एल की वैल्यू है मेरे पास पी बी, ओके माइनस स्मॉल वाई कैपिटल जेड, देखो आप कैपिटल जेड ये तो फिक्स है, कैपिटल जेड की वैल्यू कितनी रखी हुई है पी, ओके और ये तो हो चुका है यहाँ तक के, प्लस के स्मॉल जेड जो का तो वाई की वैल्यू फिर पी डिवाइडेड बाई कितना एक्स की वैल्यू पी, बराबर एम की वैल्यू कितनी है सी पी, देखो आप सी पी माइनस स्मॉल एक्स स्मॉल जेड जो का तो एक्स की वैल्यू पी प्लस के एक्स जो का तो जेड की वैल्यू पी डिवाइडेड बाई वाई की वैल्यू फिर पी, क्लियर आगे चलता हूँ, बराबर कितना है एन की वैल्यू कितनी है रे पी ए माइनस एक्स कैपिटल वाई की वैल्यू पी माइनस कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल एक्स की वैल्यू फिर पी डिवाइडेड बाई जेड की वैल्यू फिर पी, आपको पता है
इज इक्वल टू, जी की वैल्यू देखो बेटा कितनी है, जी आ रहा है आपके पास पी ए प्लस के बी प्लस के सी अपॉन अंडर द रूट तीन बटे, आर की वैल्यू देखो आप, आर ये है मेरे पास पी अंडर द रूट तीन। क्लियर, आगे चलता हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ से मैंने इसमें से पहले वाली इक्वेशन के अंदर से मैंने पी ऊपर से कॉमन लिया, यहाँ से मैंने पी कॉमन ले लिया, पी कॉमन लेने के बाद मेरे पास कितना बचा भाई, ये बचा बी माइनस के वाई और प्लस के जेड और डिवाइडेड बाई पी। क्लियर, बराबर। अगले में से मैंने पी कॉमन लिया, कितना बचा मेरे पास सी माइनस के जेड, सी माइनस के जेड प्लस के एक्स डिवाइडेड बाई पी इज इक्वल टू, फिर मैंने पी कॉमन लिया, ए माइनस ये प्लस बटा है, यहाँ पे ये प्लस है, ये अक्सर गलती करता हूँ मैं, प्लस माइनस की प्लस बटा है, ओके ए माइनस के कितना, ए माइनस के एक्स और प्लस के कितना वाई डिवाइडेड बाई कितना पी, बराबर किसके हुआ भाई, यहाँ से देखो आप ये पी, ये तो पी ऊपर पहुँच जाएगा ना, पी ए प्लस के बी प्लस के सी अपॉन ये हुआ मेरे पास पी अंडर द रूट थ्री का स्क्वायर। क्लियर है ना, निकल चुकी ना इक्वेशन। आगे देखता हूँ बेटा, इस पी से पी कैंसिल, 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 यहाँ से मेरे पास निकला बेटा बी माइनस के वाई प्लस के जेड स्मॉल जेड है इज इक्वल टू सी माइनस के जेड प्लस के एक्स इज इक्वल टू ए माइनस एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू ए प्लस के बी प्लस के सी अपॉन ये से कैंसिल थ्री। ओके, इस इक्वेशन को सिमेट्रिक फॉर्म में लिखने पर, बीएससी पार्ट वन का एक मेथड होता है सिमेट्रिक फॉर्म, मैं डायरेक्टली इस इक्वेशन को डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, डायरेक्टली डायरेक्टली इक्वेशन को, इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखूं भाई, सिमेट्रिक फॉर्म, सिमेट्रिक फॉर्म कौन सी होती है, सिमेट्रिक फॉर्म एक्स माइनस के अल्फा अपॉन एल वन बराबर वाई माइनस के बीटा अपॉन एम वन जेड माइनस के गामा अपॉन एन वन में लिखने पर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट है, बहुत सिंपल सी बात है, आप निकाल सकते हो, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना योगेश, ठीक है राजेश, समझ आती है ना बात, जाकिर, ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। कितना निकल गया यहाँ से मेरे पास, जब इसको सिमेट्रिक फॉर्म बनाऊंगा मेरे पास निकलेगा x प्लस के एक बटे तीन तो होगा ये, और ये हो जाएगा बेटा a प्लस के टू बी, ए प्लस के टू बी प्लस के थ्री सी। अगले वाला देखता हूँ, बराबर होगा x की जगह क्या होगा y प्लस ये होगा एक बटे तीन, a की जगह क्या होगा b प्लस b की जगह क्या होगा टू सी, सी की जगह क्या होगा थ्री ए। क्लियर, आगे देख रहा हूँ, इज इक्वल टू y की जगह क्या होगा z प्लस एक बटे तीन ही हो जाएगा, b की जगह होगा आपकी बार c प्लस c की जगह होगा मेरे पास 2a और a की जगह मेरे पास कितना हो जाएगा प्लस के 3b। क्लियर, एक आंसर तो निकल गया मेरा ये इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस। दूसरे वाला आंसर मेरा कहाँ निकला हुआ है, पिच रेंच मेरा निकला हुआ है ये, आपको यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्लियर, ओके, और हाँ रिजल्टेंट फोर्स मेरा कहाँ निकला हुआ है, एक आंसर निकल गया मेरा ये, आपको कोई भी आपत्ति किसी भी तरह की नहीं होनी चाहिए। ओके, यही मेरा आंसर है और यहीं तक मेरे को निकालना था। ओके, बाय।